सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए अब तक की खास खबरों पर डालते हैं एक नजर। लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष मीरा कुमार व पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल ने भी संत शिरोमणि के दरबार में लगाई हाजिरी। वाराणसी पहुंचे केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू, आम बजट पर किया चर्चा, मीडिया से बातचीत में कहा हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का सरकार से नहीं है कोई लेना देना। वाराणसी मंडल का संपन्न हुआ निवेश सम्मेलन, शामिल हुए कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी। और बीएचयू में कला संकाय प्रेक्षागृह में आयोजित दो दिवसीय रामायण कॉन्क्लेव का समापन। और अब समाचार विस्तार से। श्री गोवर्धनपुर में बड़ी संख्या में रैदासियों की मौजूदगी के बीच सियासतदारों का भी जमघट होने लगा है। संत रविदास की जन्मस्थली श्री गोवर्धनपुर में बड़ी संख्या में रैदासियों की मौजूदगी में सियासतदारों का भी जमघट लगने लगा है। शनिवार को शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के पुत्र सुखबीर सिंह बादल संत के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचे। अपने समर्थकों व परिवारीजनों के साथ पहुंचे प्रकाश सिंह बादल ने संत रविदास मंदिर में संत की प्रतिमा के सामने शीश नवाया। इसके बाद रैदासियों के प्रमुख धर्मगुरु संत निरंजन दास का आशीर्वाद लिया और उनके पास बैठे रहे। इस दौरान सुखबीर सिंह ने करीब आधा घंटा तक संत से बातचीत किया। बातचीत के बाद उन्होंने मीडिया से कहा कि मुझे यहाँ आकर काफी प्रसन्नता हुई। काशी गुरुओं की धरती है, यहाँ देश विदेश से लोग गुरु के चरणों में शीश नवाकर आशीर्वाद लेने आते हैं। जो इस पवित्र नगरी में आता है धन्य हो जाता है। संत रविदास के नाम पर कॉरिडोर बनाने की योजना के बाबत पूछने पर उन्होंने कहा कि स्वागत है, ऐसा कार्य होना चाहिए, यह एक अच्छा कार्य है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि देश में सभी धर्मों के लोग रहते हैं, सबका सम्मान होना चाहिए, लेकिन एक धर्म से दूसरे धर्म को लड़ाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। देश की तरक्की इसी में है कि सभी एक दूसरे के धर्म का सम्मान करें। मीडिया से बातचीत के बाद लंगर में उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया। मुझे बड़ी खुशी है यहाँ आके इस पवित्र धरती से आके सारे हजारों की गिनती संगत इतने आई है। देखो बनारस की बड़ी पवित्र धरती है, गुरुआं की नगरी है, तो कल देश चो नहीं विदेशों तो लोग इतने आते हैं अपने परमात्मा के तीर्थ यात्रा पूरा अपनी तीर्थ पूरा याद करने वास्ते आते हैं। सो जेड़े भी आते हैं बड़े भागाशील है, तो उन्हें भागा वाले है जोड़े इतने आते हैं। संत रविदास जी के नाम पर एक कॉरिडोर बनने की योजना है, उस पर आप क्या कहेंगे? बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हमने जो हमारा देश है, इस देश में सारे धर्मों के लोग रहते हैं, और इसलिए ये देश तब कामयाब होगा, कब तरक्की करेगा, अगर सारे धर्मों का सत्कार किया जाए, सारे धर्मों को एक बना कर लिया जाए, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाने जो करेंगे वो देश की तरक्की नहीं चाहेंगे। लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष मीरा कुमार ने शनिवार को राजघाट स्थित संत शिरोमणि गुरु रविदास मंदिर में मत्था टेका। लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष मीरा कुमार शनिवार को वाराणसी पहुंची। यहां उन्होंने राजघाट स्थित संत शिरोमणि गुरु रविदास मंदिर पहुंचकर गुरु के दरबार में मत्था टेका। मीरा कुमार ने यहीं पर अपने पिता और देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम जी को पुष्पांजलि अर्पित कर संत शिरोमणि गुरु रविदास को अंगवस्त्रम भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त किया। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने आम बजट को स्वास्थ्य व शिक्षा के लिए सही नहीं बताया। नगर बदलता है, उन्नति करता है, साथ ही साथ जो विचार है, जो गुरु जी का विचार है, वो हर के हृदय में होना चाहिए और हर एक का विचार उन्नत होना चाहिए। मैम, जिस तरह से आम बजट आया है, इस पे क्या विचार है आपका? किस तरह से गरीब लोगों के लिए कितना ये संतुष्टिपूर्वक है? बजट जो है से हमें बहुत निराशा हुई है, क्योंकि इसमें शिक्षा के ऊपर जो राशि होनी चाहिए थी वो कम हो गई, स्वास्थ्य के ऊपर जो राशि होनी चाहिए थी वो कम हो गई, गरीबों को बेरोजगार लोगों के लिए कोई रोज़गार नहीं है, गरीबों के लिए कोई भी साधन नहीं है कि वो अपने जीवन को और उन्नत कर सके। केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री किरण रिजिजू ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का सरकार से कोई लेना देना नहीं है। केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि अमेरिकी वित्तीय संस्थान हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से सरकार का कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले में कुछ नहीं कर सकती।
रिजिजू शनिवार को काशी विद्यापीठ के गांधी अध्ययन पीठ में आयोजित कार्यक्रम के पश्चात पत्र प्रतिनिधियों से बात कर रहे थे। सिटी वाराणसी लाइव के प्रतिनिधि राजेश राय ने उनसे हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से देश में उत्पन्न असाधारण वित्तीय स्थिति के बारे में प्रश्न पूछा था। रिजिजू ने कहा कि केंद्रीय बजट में सरकार द्वारा दिए गए प्राविधानों का उल्लेख करते हुए बताया कि यह भारत को सन 2047 में पूर्ण विकसित राष्ट्र के रूप में पहुंचाने वाला बजट है। आपके बजट के साथ साथ ही एक हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है अमेरिका से, वो सरकार से कोई लेन देन नहीं, LIC का और तमाम सरकारी संस्थाओं का उसमें पैसा लगा हुआ है। इसके पूर्व केंद्रीय विधि व न्याय मंत्री किरण रिजिजू ने काशी विद्यापीठ के गांधी अध्ययन पीठ में भाजपा द्वारा आयोजित बजट पर चर्चा कार्यक्रम में बोलते हुए कहा कि यह काशी का सौभाग्य है कि उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा सांसद मिला। इससे न सिर्फ बनारस बल्कि पूरे पूर्वांचल का विकास हो रहा है। लेकिन इस बार का 2023-24 का बजट आप देखिए, ये अमृतकाल का सबसे पहला बजट है। 45 लाख करोड़ का ये बजट है, तो ये कोई कुछ साल पहले तक हमारे कल्पना से बाहर। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी ने शनिवार को कमिश्नरी सभागार में आयोजित निवेश सम्मेलन में अधिकारियों और निवेशकों के साथ चर्चा की। उत्तर प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास, निर्यात व प्रोत्साहन विभाग के कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी शनिवार को वाराणसी पहुंचे। उन्होंने कमिश्नरी सभागार में आयोजित निवेश सम्मेलन में अधिकारियों और निवेशकों के साथ चर्चा किया। इस दौरान निवेश और विकास से संबंधित बातों को अधिकारियों ने प्रोजेक्शन के माध्यम से रखा। कैबिनेट मंत्री और अधिकारियों ने निवेशकों से कहा कि स्थितियां अनुकूल हैं, निवेशक उत्साह के साथ भागीदारी निभाएं। सम्मेलन के बाद मीडिया से बातचीत में नंदगोपाल नंदी ने कहा कि प्रदेश में निवेशकों में खासा उत्साह है। अब तक कानपुर में 75,000 करोड़, बरेली में 39,000, प्रयागराज में 33,703 करोड़, आगरा में 15,000 करोड़ का निवेश हो चुका है। पहले हम लोगों ने 10 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा था, अब टारगेट बढ़ाकर 17 लाख करोड़ कर दिया गया है। अभी पता चला है कि 17 लाख करोड़ तक का निवेश हो चुका है। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था की स्थिति काफी बेहतर हो गई है, माफिया गुंडे अब जेलों में हैं या प्रदेश छोड़कर भाग चुके हैं। इन्वेस्टरों में इतना उत्साह है, 75 के 75 जिलों में किसी का 100 टन का प्रोडक्शन है तो वो सोच रहा है हम इसको 200 टन पे ले जाएं, किसी का मैनुअल है तो सोच रहा है ऑटोमेशन पे ले जाएं। तो इस तरह से उत्साह दिख रहा है कि पूरी दुनिया उत्तर प्रदेश के लिए, उत्तर प्रदेश की ओर आकर्षित है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में भारत सबसे अच्छा डेस्टिनेशन बनकर के उभरा है, इंडस्ट्री लगाने के लिए, निवेश करने के लिए। और भारत में भी सबसे अच्छा डेस्टिनेशन उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बना, सर्वोत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर। 3 दिवसीय काशी वाराणसी साहित्य महोत्सव के दूसरे दिन 2 अकादमिक सत्र एवं 1 खुला चर्चा परिचर्चा सत्र का आयोजन हुआ। काशी वाराणसी विरासत फाउंडेशन द्वारा 3 दिवसीय काशी वाराणसी साहित्य महोत्सव के द्वितीय दिन 2 अकादमिक सत्रों एवं 1 खुली परिचर्चा सत्र का आयोजन नागरी नाटक मंडली वाराणसी में आयोजित हुई। विश्व साहित्य के संदर्भ हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाओं की साहित्य विषयक प्रथम अकादमी सत्र की अध्यक्षता ख्याति लब्ध साहित्यकार गिरीश पंकज ने किया। मुख्य अतिथि वरिष्ठ साहित्यकार डॉ. विद्या बिंदु सिंह पद्मश्री थी। मंचासीन अतिथियों का स्वागत अंग वस्त्रम से डॉ. अजीत सहगल ने किया। बतौर मुख्य अतिथि डॉ. विद्या बिंदु सिंह ने कहा कि भाषाएं संस्कृति के प्रचार का माध्यम है। आज भाषाओं की संस्कृति बचाने की जरूरत है। सभी भारतीय भाषाओं का एक रागात्मक बोध है, वह बना रहना चाहिए। विज्ञान और राजनीति भी संस्कृति में हस्तक्षेप करता है, अन्य तत्व भी हस्तक्षेप करते हैं, लेकिन उससे यदि संस्कृति का भला होता है तो उसका स्वागत होना चाहिए। इस कार्यक्रम में डॉ. राम सुधार सिंह, शीर्ष आयोजक मंडल के अध्यक्ष प्रोफेसर सूर्य प्रसाद दीक्षित,
पूर्व अध्यक्ष हिंदी विभाग लखनऊ विश्वविद्यालय, महोत्सव संयोजक प्रोफेसर राममोहन पाठक, स्वागताध्यक्ष शरद कुमार त्रिपाठी, उपाध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र नाथ मिश्र, आर के चौधरी, समाजसेवी एवं उद्योगपति वाराणसी राजेंद्र गोयनका, उद्योगपति वाराणसी, वरिष्ठ चिकित्सक एवं समाजसेवी तथा सुषमा अग्रवाल, डॉक्टर हीरालाल मिश्र मधुकर, डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्र, डॉक्टर हिमांशु उपाध्याय, शीर्ष आयोजक मंडल के अकादमिक संयोजक कमलेश भट्ट कमल नोएडा, समन्वयक अमितांशु पाठक, संयोजक सामान्य व्यवस्था गौरी शंकर नेवर आदि उपस्थित थे। काशी विश्वविद्यालय में शब्द संवाद श्रृंखला के तहत पत्रकारिता में रचना धर्मिता विषय पर व्याख्यान का आयोजन हुआ। काशी विश्वविद्यालय का पत्रकारिता एवं जनसंप्रेषण विभाग अपनी स्थापना की स्वर्ण जयंती के अवसर पर कार्यक्रमों की शब्द संवाद श्रृंखला के तहत शनिवार को पत्रकारिता में रचना धर्मिता विषय पर बिहार के मोतिहारी स्थित महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के मीडिया अध्ययन विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष एवं बिहार लोक सेवा आयोग के सदस्य प्रोफेसर अरुण कुमार भगत के व्याख्यान का आयोजन हुआ। विभागीय सभागार में हुए इस कार्यक्रम के दौरान पद्मश्री प्रोफेसर कमलाकर त्रिपाठी ने बतौर मुख्य अतिथि उनकी पुस्तक पत्रकारिता सृजनात्मक लेखन और रचना प्रक्रिया का लोकार्पण किया। पत्रकारिता में रचना धर्मिता विषय पर अपना वक्तव्य रखते हुए प्रोफेसर अरुण कुमार भगत ने कहा कि पत्रकारिता जल्दबाजी में लिखा गया साहित्य है, यह जीवन के रहस्यों को उद्घाटित करने की प्रक्रिया है। पत्रकारिता पर प्रारंभिक दिनों से ही अंकुश लगाने की कोशिश की जाती रही है, फिर भी पत्रकार रुका नहीं और पत्रकारिता की प्रक्रिया चलती रही। पत्रकारिता के माध्यम से आंदोलनों को रेखांकित किया जाता है। पत्रकारिता के दो महत्वपूर्ण अवयव हैं समाचार और विचार। समाचार आज छपता है और कल अतीत हो जाता है, लेकिन विचार कभी मरता नहीं है। मेरी पुस्तक विचारों पर आधारित है। सृजनात्मक लेखन जीवन की यात्रा है। कुल मिलाकर यह पुस्तक सृजनात्मक लेखन का ग्रंथ है। काशी विश्वविद्यालय के चिकित्सा विज्ञान संकाय के आचार्य पद्मश्री प्रोफेसर कमलाकर त्रिपाठी ने बतौर मुख्य अतिथि प्रोफेसर अरुण कुमार भगत की पुस्तक पत्रकारिता सृजनात्मक लेखन और रचना प्रक्रिया के बारे में चर्चा करते हुए कहा, जब हमारे पास भाषा और साहित्य नहीं था तब भी पत्रकारिता थी, जिसे चित्रों और भाव से संचारित किया जाता था। पत्रकारिता आज व्यवस्थित हो चुकी है। प्रोफेसर अरुण कुमार भगत की यह पुस्तक पत्रकारिता के सभी विधाओं को समेटे हुए है। यह पत्रकारिता के विद्यार्थियों के लिए बेहतरीन पुस्तक है। विभागाध्यक्ष डॉक्टर शोभना निर्लिकर ने अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में कहा कि पत्रकारिता सूचनाओं के साथ सृजनात्मक लेखन की कला है। पत्रकारिता जगत के विद्वान शिक्षक प्रोफेसर अरुण कुमार भगत की पुस्तकें मीडिया जगत के छात्रों को मीडिया जगत की कुशलता से परिचित कराती हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पत्रकारिता एवं जनसंप्रेषण विभाग में पत्रकारिता पर उनकी पुस्तक का विमोचन और व्याख्यान विभाग के विद्यार्थियों को निश्चित रूप से लाभकारी सिद्ध होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि पत्रकारिता जगत में जातिगत भेदभाव बड़े ही पैमाने पर है, जिसे हर हाल में खत्म कर वंचित वर्गों को भी बराबरी का अधिकार देना पड़ेगा। अगर जब तक ऐसा नहीं होता है तो पत्रकारिता की निष्पक्षता हमेशा संदिग्ध रहेगी। विभाग के सहाचार्य डॉक्टर ज्ञान प्रकाश मिश्र ने कार्यक्रम में आए अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम का संचालन विभाग के वरिष्ठ सहायक आचार्य डॉक्टर बाला लखेंद्र ने किया, जबकि विभाग के शोधार्थी रंजीत राय ने कार्यक्रम में मौजूद अतिथियों, शोधार्थियों, विद्यार्थियों और अन्य लोगों को धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से प्रोफेसर वी के सिंह, डॉक्टर विवेक सिंह, डॉक्टर लहरी राम मीणा, डॉक्टर देवी प्रसाद, डॉक्टर सत्य प्रकाश असीम, डॉक्टर मानसी सिंह, विभाग के सहायक आचार्य डॉक्टर नेहा पांडे, डॉक्टर अमिता, डॉक्टर धीरेन्द्र राय, शोधार्थी गण दीक्षा विश्वकर्मा, नेहा वर्मा, सिमरन ठाकुर, सोनल, राखी शर्मा, जिज्ञासा, नितिन, रंजीत, अदिति, कीर्ति, मोनू समेत विभाग के सैकड़ों शोधार्थी एवं विद्यार्थी मौजूद थे। यहाँ पर वक्त चला छोटा सा ब्रेक का, बने रहिए श्री वाराणसी लाइव के साथ। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल है। साइंस, मैथ एवं कंप्यूटर लैब, सुसज्जित लाइब्रेरी, वाहन की उत्तम व्यवस्था, विभिन्न खेलों की शिक्षा, बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु योगा का प्रशिक्षण सुविधा। इतना ही नहीं, आपके छोटे बच्चों के लिए एक ऐसी जगह जहां हम देते हैं शिक्षा के साथ साथ मौज मस्ती भरा वातावरण। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल, नगवा, लंका, वाराणसी। बाल विद्यालय माध्यमिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जहां मिलता है आपके बच्चों को उच्च शिक्षा एवं सुनहरा भविष्य। CBSE अफिलिएटेड प्ले ग्रुप अकॉर्डिंग टू होम, टेम प्लस टू की उच्च शिक्षा एवं अनुशासन, कंप्यूटर क्लासेस, अत्याधुनिक साइंस लैब, स्टूडेंट एक्टिविटीज, SMS अलर्ट्स, सब्जेक्ट वाइज स्मार्ट क्लासेस, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए समय समय पर खेलकूद प्रतियोगिता, कल्चर एक्टिविटीज। 50 वर्षों से अनुभवी शिक्षकों के साथ हमने बनाया आपके बच्चों का बेहतर कल। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज विद GPS, क्योंकि हम हैं बाल विद्यालय, तो आज बनाए अपने बच्चों का बेहतर कल। एडमिशन्स ओपन बाल विद्यालय सीनियर सेकेंडरी स्कूल, प्रहलाद घाट एवं डोबरी, वाराणसी।
कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। दो गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आयोजित दो दिवसीय रामायण कॉन्क्लेव का शनिवार को समापन हुआ। अयोध्या शोध संस्थान, अयोध्या पर्यटन एवं सांस्कृतिक विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जन जन के राम विषय पर उत्तर प्रदेश के 16 जिलों में प्रस्तावित रामायण कॉन्क्लेव के आयोजन के क्रम में चित्रकूट के बाद द्वितीय पड़ाव के रूप में वाराणसी में भारत अध्ययन केंद्र के सहयोग से काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कला संकाय प्रेक्षागृह में द्विदिवसीय रामायण कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। इसके अंतर्गत 4 फरवरी को आयोजित रामायण की सांस्कृतिक विकास यात्रा विषयक अकादमिक सत्र में मुख्य वक्ता के रूप में हिंदी विभाग के पूर्व आचार्य प्रोफेसर अवधेश प्रधान ने कहा कि भारत का इतिहास संतों और कवियों ने रचा है। रामायण एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो भारत की संस्कृति को संपूर्णता में व्यक्त करता है। त्याग और प्रेम भारतीय संस्कृति का मूल है तथा करुणा रामायण का बीज है। उन्होंने सीता के व्यक्तित्व को व्याख्यायित करते हुए बताया कि सीता के महान चरित्र से ही मिलकर राम की कथा पूरी होती है। विशिष्ट वक्तव्य प्रस्तुत करते हुए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के पूर्व क्षेत्रीय निदेशक प्रोफेसर विजय शंकर शुक्ल ने कहा कि सभी विद्याओं का एकीकृत स्वरूप वाल्मीकि रामायण में हमें मिलता है। वाल्मीकि ने रामायण के माध्यम से ब्रह्म की स्थापना की है। श्रीलंका से पधारे विद्वान बाला शंकुरात्रि ने रामायण के भौगोलिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक पक्ष पर अपने विचार रखे। सभी अतिथियों का सम्मान अयोध्या शोध संस्थान के निदेशक डॉ. लवकुश द्विवेदी, धन्यवाद ज्ञापन क्षेत्रीय पुरातत्व अधिकारी डॉ. सुभाष चंद्र यादव ने किया तथा संपूर्ण सत्र का संचालन हिंदी विभाग के सहायक आचार्य डॉ. महेंद्र प्रसाद कुशवाहा ने किया। अकादमिक सत्र के बाद 2 फरवरी को गुरुधाम मंदिर परिसर में संपन्न हुए रामायण के विविध पक्षों पर हुई चित्रकला प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त रामायण गान तथा बाल एवं युवा काव्यार्चन कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें वाराणसी के विभिन्न विद्यालयों तथा महाविद्यालयों के छात्र छात्राओं ने अपनी काव्य रचना के साथ ही रामायण के विभिन्न प्रसंगों का पाठ भी किया। कार्यक्रम के अंतर्गत समकालीन संदर्भ में रामकथा परंपरा एवं आधुनिकता विषयक पुस्तक का लोकार्पण किया गया, जिसके संपादक हिंदी विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय के आचार्य प्रोफेसर चंपा सिंह तथा संस्कृति विभाग के सहायक आचार्य राजेश सरकार है। जो ग्रंथ है उसमें बहुत सारी ट्राइब्स के बारे में मेंशन्ड है, जिसमें से कोल, भील और गोंड उसकी प्रमुख ट्राइब्स थी। तो इन ट्राइब्स का हमने जो है जेनेटिक स्टडी किया, उनका DNA का जो है वो स्ट्रक्चर जाना और अदर लोगों के साथ उनका क्या रिलेशन है इसको देखा। उसमें हमने पाया कि कोल, भील और गोंड ये तीनों इनक्रेडिबली जो है वो इंडिया का बेस बनाती है और इंडिया का कोई भी ऐसा पॉपुलेशन नहीं है जिसके पास इन तीनों ट्राइब्स का DNA ना हो। तो ये एक तरीके से बेसिक फाउंडेशन बना रही हैं जो रामायण के अंदर मेंशन ट्राइब है। इसका मतलब कि ये ट्राइब्स काफ़ी एंशियंट समय से इंडिया में रह रहे हैं। दुनिया भर में सीर गोवर्धन संत रविदास जी का मंदिर दुनिया भर के रहदासियों का सबसे बड़ा आस्था का केंद्र है, जहाँ प्रत्येक वर्ष लाखों भक्त आकर मत्था टेकते हैं। श्रम साधक संत रविदास का गांव सीर गोवर्धन दुनिया भर में विद्यमान रैदासियों के लिए मक्का माना जाता है। इनकी जयंती पर दुनिया भर से रैदासी यहां दर्शन करने को आते हैं। यहां इनका मंदिर ही नहीं बल्कि सैकड़ों साल पुराना वो इमली का पेड़ भी आस्था का केंद्र है, जहां कभी संत रविदास बैठकर सत्संग करते थे। मानता है कि आज भी अदृश्य रूप से संत शिरोमणि रविदास की शक्ति यहाँ विद्यमान है। मानता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से यहाँ मत्था टेकता है और इस पेड़ के झड़े पत्तियों का सेवन करता है, उसे रोगों से मुक्ति मिलती है। यही वजह है कि रविदास जयंती पर आने वाले लाखों भक्त यहाँ आकर मत्था टेकते हैं और यहाँ की माटी को तिलक के रूप में सिर पर लगाते हैं। ट्रस्ट से जुड़े हरदयाल सिंह ने बताया कि इस स्थान पर संत रविदास ने सत्संग के साथ ही कई लोगों को उपदेश भी दिया है। इस पेड़ में कलावा बांधने से सभी मन्नतें पूरी होती हैं। इन्हें बैठ के बंदगी करी और तपस्या करने वाले लोगों को ज्ञान दिया। श्री गोरखनाथ जो थे वो भी उन्हें महाराज को मिलने आए इसी स्थान पर, और इसी स्थान पर कबीर जी, गुरु नानक देव जी और बड़े बड़े महाराजे जैसे पीपा भगत, चित्तौड़गढ़ के राजा महारानी झालाबाई, सब गुरुजी की शिष्य हुई। ये वो स्थान है। अच्छा,
जैसे यहाँ का महत्व कहा जाता है, मिट्टी का महत्व, पत्ते का महत्व, पत्ते का महत्व यह है कि जो इसका पत्ता है या मिट्टी है, इसका महत्व ये है कि अगर सपा मन से हम पत्ते को खाते हैं तो कोई दर्द दुख नहीं रहता, उसका महत्व ये है। और मिट्टी जो लगाते हैं उनका तेल लगाते हैं, ये मालक के देन है, मालक के स्थान है, ये उसका देन। यहाँ धागे भी बांधने जा रहे हैं, धागे बांधती हैं, अपने अपनी माताएं मन्नत मानती हैं कि हमें मालिक जो भी कोई दे, पुत्र दे, फल दे या किसी के शादी हो जाए, इसलिए धागे बांधती। शनिवार को बनारस बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ दिलाई गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सरयू राय ने शनिवार को बनारस बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति ने अध्यक्ष व महामंत्री को तथा पद्मश्री रजनीकांत ने शेष पदाधिकारियों को शपथ दिलाई। इस मौके पर न्यायमूर्ति राय ने बार व बेंच में बेहतर समन्वय पर बल दिया। यह कार्यक्रम बनारस बार एसोसिएशन के सभागार में आयोजित किया गया था। शहर की यातायात व्यवस्था को बेपटरी करने में ट्रैफिक नियमों के तोड़ने वालों के साथ ही साथ ट्रैफिक पुलिस के जवान भी कम जिम्मेदार नहीं है। शहर की यातायात व्यवस्था को बेपटरी करने में कई तरह के लोगों का योगदान है। जाम के लिए ट्रैफिक नियमों का पालन न करने वाले वाहन चालक तो जिम्मेदार है ही, साथ ही जिनके कंधों पर ट्रैफिक सुचारू रखने की जिम्मेदारी है उनकी लापरवाही और कामचोरी भी कम जिम्मेदार नहीं है। शनिवार को इसकी वानगी देखने को मिली। व्यस्तम सिगरा मेन रोड पर भारत सेवा आश्रम मोड़ पर जिस समय ट्रैफिक पूरे शबाब पर था और रह रहकर जाम लग रहा था, उस समय ट्रैफिक पुलिस का सिपाही केबिन में बैठकर अमरूद खा रहा था। जब सिटी न्यूज़ प्रतिनिधि ने सिपाही से सवाल जवाब किया तो वह हड़बड़ाकर केबिन में अमरूद छोड़कर बाहर निकला। कमोबेश यही हालात शहर के अन्य हिस्सों में भी है। अक्सर देखा गया है कि ड्यूटी के समय ट्रैफिक पुलिस के जवान या तो मोबाइल में व्यस्त रहते हैं या आपस में गप्पे मारते हैं, ट्रैफिक व्यवस्था को भगवान भरोसे छोड़ देते हैं। ये होमगार्ड है ना, तो ड्यूटी कीजिए, वहाँ जाम लगा हुआ है, देखिए वहाँ जाम लगा हुआ है, आप यहाँ अमरूद खा रहे हैं, है? ड्यूटी करना है तो अमरूद खाना है, यहाँ पर अमरूद खाने की ड्यूटी है, तब वहाँ देख रहे हैं जाम लगा हुआ है पूरा। भारत माता मंदिर में वंदे भारत पदयात्रा के पदयात्रियों ने सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। वंदे भारत पदयात्रा के पदयात्री एवं सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भारत माता मंदिर से राष्ट्र रक्षा हेतु पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया और भारत माता मंदिर प्रांगण में नीम, पीपल, तुलसी, पारिजात एवं आंवले के वृक्षों का वृहद स्तर पर वृक्षारोपण कर धरातल पर कार्य कर प्रकृति संरक्षण का संदेश दिया। भारत माता मंदिर प्रांगण में प्रबोधिनी फाउंडेशन के महासचिव विनय शंकर राय मुन्ना के नेतृत्व में माल्यार्पण कर पदयात्री आशुतोष पांडे का स्वागत किया गया। इस अवसर पर पदयात्री आशुतोष पांडे ने कहा कि यात्रा 4 दिसंबर 2022 को अयोध्या से शुरू हुई थी, अयोध्या से मथुरा और मथुरा से पैदल चलकर प्रयागराज एवं भदोही होते हुए वाराणसी पहुंची। यह यात्रा 21 राज्यों की यात्रा है जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड होते हुए 2024 में अयोध्या में समाप्त होगी। इस दौरान 10,000 वृक्षारोपण 1,000 स्कूल के अंदर किया जा रहा है और युवाओं को पर्यावरण और शिक्षा के प्रति जागरूक करते हुए 1,000,000 नीम, पीपल, तुलसी, गिलोय, परिजात और आंवला का वृक्ष लगाने का संकल्प दिलवाते हुए पूर्ण होगा। राष्ट्र रक्षा को लेकर भारतवर्ष में जितने भी हमारे युवा हैं, जितने भी हमारी क्या बोलते हैं सरकारें हैं, जितने भी हमारे समाजसेवी हैं, जो भी हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनके साथ मिलकर 1,000,000 वृक्षारोपण करवाने का मेरा संकल्प है, प्लस 10,000 वृक्ष मैं खुद लगा रहा हूँ, उसको लेकर आज मैंने भारत माता मंदिर में संकल्प लिया है। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण में समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।